रोशनी का पर्व दीपावली कल प्रदेश भर में धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। रात के समय लोगों ने अपने घरों में श्री गणेश व मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि की कामना की। पूरे देश में इस बार दीपावली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रदेश में भी असर दिखाई दिया। कोर्ट के आदेशानुसार दिन भर पटाखे फोड़ने पर रोक रही और केवल रात को 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए गए। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पटाखे चलाए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के व्यंजन व मिठाई बांटकर दीपावली पर्व की बधाई भी दी। इधर सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में 3 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली पर्व पर महिलाओं ने पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसकर मेहमानों का स्वागत किया। क्षेत्र में मशाल यात्रा और सिया गायन के साथ दीपावली की शुरुआत होती है और ये दौर 3 दिनों तक चलता रहता है। गिरिपार क्षेत्र में आज भी पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन मूड़ा शाकली तेल पक्की समेत कई पकवान शामिल हैं। दूरदर्शन से बातचीत में स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उन्हें इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है और वे मेहमानों के सत्कार के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। दिवाली का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। दिवाली में हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे कि मूड़ा शाकुली तलपाकी आदि बनाते हैं। इस दिन हम शकली मूड़ा और तलपाकी वगैरह बनाते हैं। इस त्यौहार में बहुत सारे मेहमान आते हैं और इसकी तैयारी हम एक महीना पहले से शुरू कर लेते हैं। दिवाली की तैयारी में महिलाएं एक महीने पहले से तैयारी में जुट जाती है। घर की साफ सफाई करने में लग जाती है और दिवाली के दिन कई तरह के पकवान बनाती हैं, जैसे मूड़ा शकोई और कई प्रकार के पकवान बनाती है।